कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 4,23,844 हो गई है। मुतासरा अफराद की तादाद 76 लाख के करीब पहुंच गई है। अमरीका में वायरस से अब तक 1,16,034 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मौजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। अमरीका में वायरस से अब तक 1,16,034 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 20,89,701 हो चुकी है। अमरीका के अस्पतालों में करंटीना मराकज में 11,57,561 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 8,16,086 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों की तादाद अब 8,05,649 तक जा पहुंची है, जबकि वायरस 41,058 जिंदगियां निगल चुका है। बरतानिया में वायरस से अमवात की तादाद 41,279 हो गई है, जबकि कोरोना केसेस की तादाद 2,91,409 हो चुकी है। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 34,167 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,36,142 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में मजमुई तौर पर हलाकतें 29,346 हो गई हैं, जबकि कोरोना केसेस 1,55,561 हो गए हैं। स्पेन में अब तक 2,89,787 मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि मोहलिक वबा से अमवात 27,136 हो चुकी हैं। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में छठे नंबर पर आ गया है। भारत में वायरस से 8,501 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 2,98,283 हो गई है। रूस में कुल अमवात 6,532 हो गई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 5,02,436 हो चुकी हैं। जर्मनी में वायरस से कुल अमवात की तादाद 8,851 हो गई है। पेरू में कोरोना वायरस के बाद 6,109 हलाकतें हो चुकी हैं। ईरान में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 8,584 हो गई है, जबकि कुल केसेस 1,80,156 हो गए हैं। तुर्की में वायरस से जान बाँक होने वालों की तादाद 4,763 हो गई है, जबकि कुल केसेस 1,74,023 हो गए हैं। सऊदी अरब में कोरोना से अब तक कुल अमवात 857 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,16,021 तक जा पहुंची है।